नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे YouTube चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग में विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म, हमारे प्राचीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा संस्कृति के ऊपर, प्राचीन ज्ञान के ऊपर बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और हमारे द्वारा संस्कृति के ऊपर, प्राचीन ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप भी संस्कृति के प्रचार का दिव्य लाभ उठा सकते हैं एवं अमृत तुल्य पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज के इस प्यारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद क्या होता है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। तो मित्रों, हमारे सनातन धर्म के 18 प्रसिद्ध पुराणों में से प्रसिद्ध पुराण गरुण पुराण धर्म ग्रंथ में इस बात का विस्तृत जानकारी दी गई है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो आइए जानते हैं गरुण पुराण के अनुसार कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मित्रों, ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण के अनुसार सबको एक काल अवधि दी गई है, यानी जिस व्यक्ति की जन्म होता है उस व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस संसार में, इस भौतिक संसार में जन्म लेता है तो उसके बाद ब्रह्मा जी के यहाँ उसके लेखा रहता है, यानी लिखित प्रमाण रहता है कि कितनी अवधि तक उस व्यक्ति को सृष्टि में कर्म करना है। और उस काल अवधि के समय समाप्त होने पर वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और परमपिता ब्रह्मा जी के सृष्टि के कालचक्र के निर्माण के अनुसार वे उस लिखित पत्र को कि किस व्यक्ति को कितना अवधि तक जीना है, जीवित रहना है, इस बात का लिखित प्रमाण वो मृत्यु के देवता यमराज को प्रदान करते हैं। और मृत्यु के सम्माननीय देवता यमराज जी सबके प्राणों का हरण उस काल अवधि के समाप्त होने पर करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे सनातन धर्म में कुल 84 लाख योनियां होती है और उन 84 लाख योनियों में हर एक जीव का काल अवधि यानी जीवित रहने की संख्या मृत्यु के देवता यमराज के पास रहती है। और काल अवधि के समाप्त होते ही वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। यह सृष्टि का नियम है कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है उसका उसी समय मृत्यु निश्चित हो जाता है। और मृत्यु निश्चित होते ही उसके जीवन चक्र में वह अवधि भी व्याप्त लिखित रहती है कि वह व्यक्ति अपना अवधि पूर्ण करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। और मित्रों, 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि की मानी जाती है, यानी हम मनुष्यों की योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है, क्योंकि 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम ही होते हैं जो सब कार्य को संभव कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, क्योंकि यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सृष्टि में हर जगह व्याप्त न दिखने वाले परमपिता परमेश्वर को भी प्राप्त हम मनुष्य आसानी से कर सकते हैं। और भगवान के भगवत ज्ञान का, सच्चे प्राचीन ज्ञान का हम ही लोग समझ सकते हैं। और 84 लाख में कोई भी जीव इस बात को समझना
संभव नहीं है। इसीलिए मित्रों, हम मनुष्यों को 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि में माना जाता है। इसलिए मनुष्य का एकमात्र जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि वह भगवान को प्राप्त करे, यानी भक्ति करे और भक्ति के मार्ग से भगवान को प्राप्त करे। और भगवत प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति से बड़ा लक्ष्य मनुष्य का हो ही नहीं सकता। मृत्यु के बाद क्या होता है मित्रों, इस बात को समझने के लिए हमें गरुड़ पुराण के इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे पास 3 प्रकार की शरीर होती है और एक परमात्मा रूपी, ईश्वर रूपी वह आत्मा हमारे हृदय में सदैव व्याप्त रहती है, जो कि भगवान का अंश होता है। इसी कारण मित्रों, कोई भी मनुष्य जीवित रह पाता है और आत्मा के निकलते ही वह व्यक्ति प्राण को त्याग देता है। और हमारे पास 3 प्रकार की शरीर होती है, जिसमें से पहला शरीर है स्थूल शरीर, जिससे हम सारे कार्यों को करते हैं और एक दूसरे को छूते हैं और देखते हैं और अनुभव करते हैं। यह हमारी वह शरीर होती है जो दिखाई देती है। इस स्थूल शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से होता है। और दूसरा शरीर हमारे पास होता है कारण शरीर, यानी कि वह कारण शरीर जिससे हमारी इंद्रियों का निर्माण होता है, यानी हमारे विचारों का, मन का निर्माण होता है, उसे हम कारण शरीर कहते हैं। इस कारण शरीर को हम केवल अनुभूति कर सकते हैं, यानी कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो भी विचार की उत्पत्ति होती है, यही वह कारण शरीर का कारण होता है कि इसी कारण से यह कारण शरीर हमें विचारों का निर्माण कराता है। इस कारण शरीर का कार्य होता है विचारों की उत्पत्ति कर मन का निर्माण करना, जिस मन में हम लोग भजन कीर्तन आदि अनेक सारे कार्य करते हैं। मन में सोचे हुए विचार इसी कारण शरीर के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा शरीर और आखिरी शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, और यही सूक्ष्म शरीर हमारा वास्तविक जीवात्मा होता है। यह सूक्ष्म शरीर भगवान के अंश रूपी आत्मा के साथ हमारे हृदय में वास करता है, यानी रहता है। और मृत्यु होने के पश्चात हमारा स्थूल शरीर, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, वह जल जाता है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व में मिल जाता है। और फिर दूसरा बचता है कारण शरीर, जो कि हमारे शरीर के जलने के साथ साथ बुद्धि भी जलती है और उसी बुद्धि के जलने के साथ साथ हमारे सारे विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं और कारण शरीर वहीं पे खत्म हो जाता है। और आखिरी सूक्ष्म शरीर स्वर्ग या नर्क चला जाता है अपने पूर्व जीवन में किए हुए कर्म के अनुसार, और सिर्फ हमारे साथ अपना जीवन भर का किया हुआ कर्म ही जाता है, और उस कर्म के अनुसार हम स्वर्ग या नर्क को प्राप्त होते हैं। और स्वर्ग नर्क को भोगने के बाद हमारा उसी सूक्ष्म शरीर के कारण दोबारा जन्म होता है, और सूक्ष्म शरीर के साथ विद्यमान रहने वाली हमारी वह परमात्मा का अंश रूपी आत्मा जा कर के परमात्मा में विलीन हो जाती है, यानी समा जाती है। और अंततः मृत्यु के बाद वह सूक्ष्म शरीर ही स्वर्ग नर्क के सुख या दुखों को भोगता है और अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मानुसार दूसरे योनि को प्राप्त होता है, यानी फिर से इस भौतिक संसार में जन्म लेता है। और जो व्यक्ति पुण्य आत्मा रहते हैं, यानी कि केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं और केवल उनकी भक्ति ही करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की
प्राप्ति के लिए वैसे व्यक्ति का मुक्ति हो जाता है, यानी अर्थात कि मोक्ष हो जाता है और वह व्यक्ति सूक्ष्म शरीर और परमात्मा का अंश रूपी आत्मा सहित परमात्मा के धाम में चले जाते हैं, यानी उनके वास्तविक भगवान के लोक में जाते हैं। अर्थात कि मित्रों, इस प्रश्न का निष्कर्ष यानी उत्तर यही है कि मृत्यु के बाद हमारा वास्तविक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से निर्मित पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल शरीर यहीं पर जलकर राख में मिल जाता है और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच तत्वों में मिल जाता है और बचा हुआ दूसरा शरीर कारण शरीर हमारे ज्ञान इंद्रियों के मुताबिक बुद्धि में समाहित रहता है और बुद्धि में समाहित होने के कारण हमारे शरीर के साथ साथ वह भी जल जाता है। अर्थात मृत्यु के पश्चात वह कारण शरीर भी समाप्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात बचा हुआ तीसरा शरीर यानी अंतिम शरीर सूक्ष्म शरीर हमारे हृदय में से निकला हुआ मृत्यु के बाद निकला हुआ वह परमात्मा रूपी आत्मा के साथ स्वर्ग नरक चला जाता है और वह आत्मा जो कि भगवान का अंश रहता है वह आत्मा भगवान में विलीन हो जाता है, यानी भगवान के धाम में जाकर के भगवान को प्राप्त हो जाता है और उस जीव के कर्मानुसार यानी कर्म के अनुसार उसे यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को या तो स्वर्ग प्राप्त कराते हैं या नरक प्राप्त कराते हैं और अंतिम में अगर वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त होता है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा के साथ परमात्मा के लोक को प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की यह विचित्र जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे द्वारा यह वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार बनाई गई विचित्र जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। हर हर महादेव।